प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से देश में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते में लॉकडाउन के नियमों को और सख्त किया जाएगा। 20 अप्रैल तक हर जिले, कस्बे और थाने को परखा जाएगा। जहां हॉटस्पॉट बढ़ने की संभावना नहीं होगी, वहां 20 अप्रैल से कुछ सशर्त छूट दिया जा सकता है। इस दौरान पीएम ने 7 बातों पर प्रमुखता से गौर करने की बात देशवासियों से कही है। देश को किए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बातों का उल्लेख किया है। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, गर्म पानी और काढ़ा का निरंतर सेवन करें। चौथी बात, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात, गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठवी बात, लोगों के प्रति संवेदना रखें और किसी को नौकरी से ना निकालें। सातवीं बात, कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का पूरा सम्मान करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।